मैं कितना सच्चा हूँ मुझे और मेरे उसको पता है। मेरे को बड़ा अच्छा से पता है आप कितने सच्चे हो। आप इधर आओ। मीटिंग के लिए गए थे वहाँ पे होटल में या संसार बसाने के लिए गए थे? इस लड़की के साथ होटल में मीटिंग के लिए नहीं जाना है। तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप के सब मस्त होंगे। दोस्तों, कविता नाम की मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे प्रैंक सजेस्ट किया, उसने ये आइडिया दिया है और उसी की हेल्प लेके मैं ये प्रैंक करने वाला हूँ पूरा। आप पूरी वीडियो देखना और कैसा लगता है बताना, देखते कितना मजा आता है। ओयो प्रैंक है, बड़े दिन बाद लेके आया हूँ, आपको मजा आएगा, अंत तक देखना, मजा आएगा। चलो मेनी आवर्स लेटर। पूरी थकावट गायब हो जाती है पूजा जब तू टच करती है। क्या भाई, मालिश विलिश का कोर्स किएगा तू? पक्का कोर्स करके आई हूँ मैं। हाँ, दुकान डाल के तू कह रही तेरे को अच्छी कमाई होगी। मेरे इतना ही बचा है मेरे लिए काम आपके पास? पूजा मालिश वाली, उंगलियों में सर दर्द गायब, कौन है देना? अनन नंबर है। उठा। हेलो, हाँ बोलिए, कौन? क्या मेरी बात मिस्टर प्रवीण से हो रही है? हाँ प्रवीण ही बोल रहा हूँ, बोलो। ओके सर, मैं इंटरनल मॉडल से बात कर रही हूँ। सर आप कल आए थे ना होटल में, कल मैम के साथ आए थे, तो उनका कुछ सामान यहाँ पे रह गया है। मैंने उनको कॉल किया लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा ठीक, तो कब तक आ सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूँ। आप फोन रखिए प्लीज, मैं आता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या कर मालिश कर? किधर गए थे? किधर गए थे? कौन सा होटल में, कौन सी मैम के साथ? मालिश करना है सर, बहुत दुख रहा है अभी, वापस से शुरू मत कर। अच्छा सरदर्द कोई और देगा, मैं इधर मालिश करते बैठूंगी। सरदर्द कर किसी और की वजह से सरदर्द होगा, किसी और चीज की वजह से सरदर्द होगा, मैं इधर मालिश करते बैठूंगी। आप पहले ये बताओ आप कहाँ गए थे, कौन से होटल में गए थे? और मैम जो बोल रही है, कौन सी मैम? मैं तो नहीं आई थी आपके साथ। कौन सी मैम के साथ आप गए थे होटल में? अरे आपने मुझे कुछ आइडिया भी नहीं दिया है आप कहाँ गए थे। आपने मेरे को बताना जरूरी नहीं समझा? ऑफिस की मीटिंग थी तो मीटिंग होटल में थी, एक क्लाइंट आने वाली थी उसके साथ मीटिंग लेनी, तो बॉस ने मेरे को भेज दिया उसके साथ। तो एक लड़की उसके साथ में होटल में गया था मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए? ऑफिस की मीटिंग थी, समझ गए? सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। किसको झूठ बोल रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ, मैंने कहा बोला झूठ? सच बोलो, अभी बात मत पलटो, मेरे को पता चल गया तो आप ऑफिस का बहाना बोल रहे हो। कुछ बोलोगे? नहीं। क्या बोलूं यार, अभी देखा तो तू शुरू मत हो जा पूजा। बोला ना मैंने मीटिंग के लिए गया था। मैं मीटिंग के लिए गए थे? अगर आप मीटिंग के लिए गए थे, हाँ छोड़, मीटिंग के लिए गए थे तो आप उधर सामान कैसे भूल गए? सामान कैसे भूल गए? मैं कहा बोला, वो भूली है ना, उसको बोलना। तो वही ना, आप सच में मीटिंग के लिए गए थे वहाँ पे होटल में या संसार बसाने के लिए गए थे? बस अभी जो मुंह में आए बकेगी, अभी तुझे अभी छूट मिल गई बोलने की। छूट नहीं, आप मेरे को इधर साफ साफ बोलो तभी इधर से उठना। मैं सच बोल रही हूँ, नहीं तो मैं क्या कर दूंगी ना, मेरे को अरे मैंने बोला, मेरे को गुस्सा आ रहा है अभी। अरे मैंने बोला ना। क्या बोला? क्लाइंट आने वाली थी और अभी बोला ऑफिस में की लाइट गई थी, क्लाइंट आने वाली थी। देखिए देखिए, तो बॉस ने वो होटल बुक करके दिया, बोला क्लाइंट से मीटिंग कर ले वापस आके, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो आई। ऑफिस की लाइट चली गई, क्या मस्त बहाना बना रहे हो। अब मैं तुझे कुछ भी बोलूं तुझे तो भरोसा होगा नहीं। किस बात से भरोसा करूं आपके ऊपर? हाँ आपने कुछ आइडिया भी नहीं दिया, आपने कुछ बताया नहीं, आप चले गए होटल में किसी लड़की के साथ मीटिंग करने के लिए, उधर सामान भूल गए। मैं कैसे समझू ऑफिस की मीटिंग थी? हाँ कैसे भरोसा करूं मैं? फिर मारने जाएगा तू? आपने बताया क्यों नहीं मुझे, पहले ये बताओ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे हाँ? क्योंकि पहले देख, तू है ना,
आ गई, तू समझ नहीं पाती मेरे को पता है, इसलिए नहीं बताया मैंने। अच्छा, मैं समझ गया। अगर मैं तुझे बोल रही एक लड़की को देखो होटल में जा रहा हो ऑफिस की मीटिंग के लिए, तू भरोसा करती क्या पूजा? तो मैंने जरूरी नहीं समझा। बोल के देखता तो मीटिंग नहीं होती सक्सेस, बॉस मुझे गालियां देती, जॉब से निकाल देते, तो इसलिए नहीं बोला। बोलने के बाद क्या होता था मेरे को पता है। अभी तुझे अनाप शनाप ख्याल दिमाग में लाना है तो ला ले, मैं बोल रहा हूँ ना मैं कितना सच्चा हूँ, मुझे और मेरे उसको पता है। यही पे हूँ, नहीं भाग रहा हूँ, यही पे हूँ। बताओगे सर? क्या बताओ, बोला तो सही। कितने सच्चे हो मेरे को अच्छे से पता है, झूठ मत बोलो। अब बोलोगे सही से? देखो मैं अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्या बोलोगे बताओ, कौन सी क्लाइंट थी, किस बारे में मीटिंग थी आपकी, और होटल में इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कभी पोस्टपोन लाइट आने के बाद भी नहीं हो सकती थी। अरे इम्पोर्टेंट क्लाइंट थी यार, अभी देख कर वापस से मीटिंग है। आपका छिछोरापन कब कम होगा आप मुझे बताओ? जब तू मेरे पे भरोसा करना शुरू करेगी तब कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अच्छा भरोसा, बहुत भरोसा करके देख लिया आपके ऊपर। आप है ना दिन ब दिन ज्यादा ही छिछोरे होते जा रहे हो, बीवी है बच्ची हुई है उसका कुछ ख्याल ही नहीं आता है आपके दिमाग में, ये सब धंधे करने हैं क्या आपको अभी भी? होटल देख, आप मेरे को आप बताओ यही सब धंधे करने हैं आपको अभी भी? अभी कल वापस से मीटिंग है उसके साथ, सीधी बात है अभी बता रहा हूँ, देख कल वापस उसके साथ होटल में जाना है। कल वापस वो बोले कि प्रवीण को वापस से भेज दो, प्रवीण ने एकदम मस्त और मीटिंग ली, तो मीटिंग लेके मैं खुश हो गई, तो वापस से सेकंड मीटिंग भी प्रवीण के साथ ही करना चाहती हूँ, तो वापस से उसके साथ जाना है होटल में, समझ रहे ना? अरे आप दिक्कत क्या है पूजा? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप ही इतने बड़े मतलब महाकलाकार हो ना, सब सब कुछ आप ही को आता है, अकेले को सब आप ही अकेले हैंडल करते हो। जैसे कि उसी का फोन आया था, वो मैडम का बात करने दूसरे कॉल पे बिजी है, अभी मैं देख जाने कर उसके साथ ऑफिस, तो बाद में बोलना मत। जी सीधी बात है, आप बाद में बोलना मत, बोला नहीं करते। आप नहीं चाहोगे क्यों? समझे आप नहीं चाहोगे क्यों? आपको मेरी कसम है आप नहीं चाहोगे, मैं बोल रही हूँ। अरे जॉब छोड़ दो आप। अरे छोड़ दो, नहीं जाओगे कल? अरे क्यों नहीं जाऊंगा? ना नहीं जाओगे, मैं बोल रही हूँ। क्यों लड़की नहीं चाहिए? किसी लड़की के साथ होटल में मीटिंग के लिए नहीं जाना है। अरे होटल में अरे सिर्फ मीटिंग होती है, सेटिंग नहीं होती। अरे भाई साहब,
डॉक्टर क्लाइंट से मिलने थोड़ी ताकत रही ना, पूरा स्टैमिना उतर रहा है। अरे नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, सुन मेरी बात, बैठ बैठ यार, मार मत यार, मजाक कर रहा हूं मैं, कितना पीटती है पूजा, तू मजाक कर रहा है, मैं मजाक कर रहे हो ये, अरे फोन, अरे फोन, अरे यार मेरी एक फ्रेंड है, उसने ही मुझे ये प्रैंक सजेस्ट किया था, और उसको ही बोला था मैंने ऐसे फोन करके बात कर करके, हमारा प्लान हुआ था बाबा, यार बात कर ले, सब है ना ऐसे धंधे करते हो, मेरे को भरोसा नहीं रहता है आपके ऊपर। तो किस पे भरोसा करना है? मेरे को नहीं करना है आपके भरोसा, आप पे नहीं, तो मत कर, मत कर, शांत बैठ, चल मत कर।